अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मन्नत शाह का नॉवल मन आज हम का एपिसोड 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो हॉस्पिटल से अपनी गाड़ी का रुख मोड़कर उससे वापस तो ले आया था, मगर आधे रास्ते पहुंचने के बाद उसके दिल में अजीब सा वसवसा पैदा हो रहा था। कहीं उसका कोई बहुत अपना तकलीफ में ना हो, कहीं वो इस दुनिया में अकेली ना हो, कहीं उसे इस वक्त ज़रूरत ना हो किसी चीज़ की। आई हैव टू चेक, पता नहीं ये दिल क्यों मुझसे अजीब अजीब बोंगियां करवाने पर तुला हुआ है, अरहान ने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए कहा था। मैं उसके सामने नहीं आऊँगा, आखिरकार एटीट्यूड किंग हूँ, पर ना मेरा दिल ना नरम भी बहुत है, किसी के आंसू बर्दाश्त ही नहीं करता, अरहान ने दिल पर हाथ रखते मुस्कुराते हुए खुद कलामी की थी। अब वो हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करके एंटर हो रहा था। इमरजेंसी के दरवाजे के पास से गुजरते उससे वो नजर आई थी। वो अब भी रो रही थी, रेड कलर के फ्रॉक और ग्रीन कैपरी पहने उससे वो मुरझाई हुई रेड चिली ही लगी थी। क्या कोई रेड चिली इतना रो सकती है, उसने फिर से खुद कलामी की थी। वो इमरजेंसी के दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी जब सनान ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा था। सनान, अलीहा, उसने रोते हुए आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए हक करते कहा था। कुछ नहीं होगा अमल, अलीहा को सब ठीक हो जाएगा। व्हाट रबिश, व्हाट इज दिस, और ये देखकर अरहान ने गुस्से से नाक चढ़ाई थी, अपनी मुट्ठियों को भिंचा था। दिल किया था जाकर रख के दो लगाए इस पागल लड़की को कि ऐसे क्यों वो किसी अजनबी के गले लगी है। वो गुस्से से इधर उधर कदम उठाते चल रहा था। कूल डाउन अरहान कबीर मलिक, तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, क्या है क्या इसमें? वैसे हो सकता है वो उसका शोहर हो, अरहान ने दिमाग में सोचा था, जबकि दिल ने उसके तमाम ख्याली वसवसों को मानने से इनकार किया था। सनान, दुआ करो अल्लाह अलिया को मेरे तक ठीक करके सही सलामत पहुंचा दे, वो रोते हुए उसकी शर्ट गीली कर रही थी। अरहान ने ये अल्फाज सुने थे जब वो इमरजेंसी के पास से गुजरा था, ये देखने के लिए कि आखिर इमरजेंसी में है कौन। मेरी जान, वो ठीक हो जाएगी। अब उसके कानों ने सनान के जुमले सुने थे, इमरजेंसी में वो किसी बच्ची को देख कर ठटका था, और सनान के मेरी जान कहने पर उसका दिल गया उसके मुँह पर चुपेट रसीद कर दे। क्या माजरा है कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद से बड़बड़ाते वो इमरजेंसी से बाहर निकलता चला गया था। हॉस्पिटल तो वो बेदहानी में आ गया था, मगर यहाँ से वो अपने दिल में बहुत सारे सवालात लेकर गया था, और इन सवालों के जवाब वो क्यों ढूंढना चाहता था वो ये खुद भी नहीं जानता था। माहिर मायदा शम्स साहब और डॉक्टर सुबहान, सब लोग डॉक्टर सुबहान के कैबिन में मौजूद थे। सनान बाहर अमल को संभाल रहा था, पूरा दिन गुजर गया था, रात के 10 बज रहे थे, और वो लोग चाहकर भी ज़ारा दुरैद का सुराग नहीं लगा पाए थे। और तो और अब अमल भी काबू में नहीं आ रही थी। मैं अपने तौर पर बहुत कोशिश कर चुका हूँ अंकल, मगर कोई भी हयात मलिक या असहान हयात मलिक तक मेरी रसाई मुमकिन नहीं बना पा रहा, कोई कुछ कहकर टाल देता है तो कोई कुछ, मेरी समझ से बाहर है कि क्या करूँ, डॉक्टर सुबहान ने बेबस होते हुए कहा था। सुबहान, इस मुल्क के मुहाफिज ही पल्ला झाड़ रहे हैं तो किसी और से क्या उम्मीद रखें, आईजी तक ने हयात मलिक के घर रेड करवाने से मना कर दिया है, उसके दोस्त तक उससे डरते हैं, घर का कोई नौकर हमारी मदद करने को तैयार नहीं, मैं क्या करूं, मेरे लिए मायदा से बढ़कर हैं ये तीनों, मेरी सांस सूखी हुई है, अगर उसको कुछ हो गया तो। शम्स साहब ने चश्मा उतारते हुए थके लहजे में कहा, क्या हम असहान के किसी दोस्त से मदद नहीं ले सकते क्या, कोई तो हल होगा ना इस सब का, माहिर ने सुजेशन दी थी। माहिर, ये इतना आसान नहीं है, उसके दोस्त भी उस जैसे होंगे, और अगर वो ये सब करता फिर रहा है तो यकीनन वो भी उसमें बराबरी के हिस्सेदार होंगे, सुभान ने कहा। फिर हमें ये पता लगवाना है कि उसके फार्म हाउस कितने हैं, अगर हम किसी तरह उसके फार्म हाउस का पता लगवा लें तो शायद हम ज़ारा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो यकीनन ज़ारा को घर तो रखेगा नहीं, या तो उसको लेकर किसी फार्म हाउस या फ्लैट लेकर गया होगा, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ वो अपना खेल आसानी से मुकम्मल कर सके, मायदा ने कहा था। ये सब इतना आसान नहीं है मायदा, इस सब को भी पता लगवाते लगवाते हमें सुबह हो जाएगी, और मेरा दिल डर रहा है कि तब तक बहुत देर ना हो जाए, शम्स साहब ने कहा था। उनके लहजे में बेबसी थी, मगर अंकल अगर हम असहान के पर्सनल ड्राइवर तक रसाई हासिल कर ले तो वो तो हमें बता देगा ना कि वो इस टाइम कहाँ है, माहिर ने कहा था। ये जो इनके स्पेशल कारिंदे होते हैं ना माहिर, ये जान दे देते हैं मगर अपने मालिकों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते, बहुत सख्त ट्रेनिंग दी होती है उनको, सुभान ने नफरत से कहा था। फिर अब मायदा ने बेबसी से कहा था, मैं हयात मलिक के घर जाऊंगा एक आखिरी बार, सुभान ने खड़े होते हुए कहा था। वेट, मेरे पास हयात मलिक के भाई
का कॉन्टैक्ट नंबर है। हमारे शोरूम से गाड़ियाँ अक्सर वहाँ जाती हैं, मैं कॉल करता हूँ, मे भी कुछ पॉसिबल हो जाए, माहिर ने कहा था। अब बात कॉल करने के काबिल नहीं रही, माहिर आमने सामने जाकर मिन्नत करने वाली बात है। अब वो करख्त लहजे में गोया हुआ था, ठीक है फिर साथ चलते हैं, माहिर ने भी उठते हुए कहा था। पागल हो तुम दोनों, ऐसे तुम दोनों की जान को खतरा है, माइदा ने खड़े होते कहा था। जान को खतरा है, इज्जत को तो नहीं, और का खतरा जान के खतरे से ज्यादा होता है, सुभान ने तल्ख लहजे में कहा था। तुम लोग ऐसे नहाते अकेले नहीं जा सकते, माइदा ने फिर से कहा था। वो दो और मजीद जानों को खतरे में जाता नहीं देख सकती थी, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह साथ है, तुम दुआ करना ज़ारा को लेकर ही लौटे अब हम। माहिर ने घड़ी की कीस उठाते हुए कहा था। मैं भी चलता हूँ, माइदा अमल का ध्यान रखना बेटा, शम्स साहब कहते उन दोनों के पीछे चल पड़े थे। घर जाकर वो सीधा अपने कमरे में गया था और ड्रेसिंग से सारी चीज़ें उठा उठा कर ज़मीन पर पटकी थी। बार बार उसकी आंखों के सामने अमल का सनान से गले लगना आ रहा था। वो चाहकर भी खुद के गुस्से पर काबू नहीं पा सक रहा था, दिल और दिमाग में अलग ही जंग चल रही थी। How dare you have to do this to me? बेड की चादर तक ये सब उठाकर जमीन पर दे मारे थे उसने। अगर तो तुम शादीशुदा नहीं हो रेड चिली, तो तुम्हें तुम्हारे इस अमल की सजा मैं सूद समेत दूंगा। दिल जला दिया तुमने मेरा, कांटे भर दिए हैं मेरे वजूद में तुमने किसी और को खुद के करीब करके, और जिस दिन मुझे पता चल गया ना वो तुम्हारा महरम नहीं है, उस दिन उसकी टांगे तोड़कर अपने स्कॉर्पियो के आगे डालूंगा। कहते ही उसने मोबाइल पकड़ा था और मैसेज टाइप किया था। निशु आई एम इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन लिखकर सेंड कर दिया था। आई एम इन क्लास कॉल यू लेटर, उसी लम्हे बैक मैसेज मिला था उसे। किताबी कीड़ा, उसने कहकर मोबाइल पटका था। Look, I think I feel jealous. फिर से मोबाइल पकड़कर मैसेज टाइप करके उसने सेंड किया था। Then contact fire brigade and don't text again. गुस्से वाले इमोजीज के साथ उसे मैसेज मिला था। निशु गो टू हेल, उसने फिर से मैसेज टाइप किया था और साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर पिया था। उसी लम्हे कॉल आई थी उससे, उसने मुस्कुराते हुए कॉल अटेंड की थी। पको क्या मसला है, निशु ने कहा था। निशु यार मुझे जेलसी फील हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है, दिल कर रहा है, पता नहीं क्या दिल कर रहा है, उसने थके लहजे में कहा था। अरहान तुम्हारी वजह से मैं अपनी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास छोड़कर आई हूँ, अगर तुम मुझे अगले चंद सेकंड्स में नहीं बताओगी कि क्या मसला हुआ है तो आई स्वेयर अभी की टिकट कन्फर्म करवा कर मैं तुम्हारा कत्ल करने पाकिस्तान आऊँगी, निशु ने गुस्से से कहा था। एक अकलौता तुम्हारा भाई है, उसे भी मार दो, आगे उस रेड चिली की वजह से आधा खून जल गया है मेरा, उसने भी टोन चेंज की थी। मुद्दे पर आओ, वो नरम लहजे में बोली थी। एक लड़की है, वो एक लड़के के गले लगी है और मैं जेलस हो रहा हूँ, उसको अपनी फीलिंग्स ही नहीं बतानी आ रही थी। दी अरहान कबीर मलिक, एटीट्यूड किंग, और दिल के मामले में बिल्कुल बच्चा, बेतुकी बातें करने वाला। अरहान तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसकी बात सुनकर निशु का दिल किया अपना सर दीवार पर मार ले, हद हो गई। आजकल हग करना नॉर्मल बात थी, ड्रामों में, फिल्मों में, सोशल लाइफ में तकरीबन सभी एक दूसरे को हग कर लेते हैं, इसमें जेलस होने वाली क्या बात थी। निशु तुम मेरी बात नहीं समझ रही, मैं उसकी बात कर रहा हूँ रेड चिली की, बस मुझे उसका हग करना किसी और को बुरा लगा, उसने समझाना चाहा था। यू मीन यू आर इन लव विद रेड चिली, रेड चिली स्पेशल फॉर यू, दैट्स व्हाई यू फील जेलस, निशु ने मामला समझते हुए अपनी ही कही थी। यू आर मैड, आई सेड आई फील जेलस, व्हाट रबिश, मुझे बस जेलसी है, मोहब्बत नहीं है, उसने बात खत्म की थी। ओके देन लीव इट, किसी भी मोमेंट को सर पर सवार ना करो, तुम्हारे दिल में क्या है वक्त बताएगा तुम्हें, लेकिन मुझे पता चल गया है एटीट्यूड किंग, बर्बादी मुबारक, वो हंसी थी और हंसती चली गई थी। व्हाट, व्हाई आर यू लाफिंग, उसे गुस्सा आया था उसकी बातों पर। नथिंग, नो नथिंग, हंसते हुए उसने कॉल काट दी थी। पागल है ये, सही कहते हैं लड़कियों की अकल उनके घुटनों में होती है, उसने कहते फोन पर दूसरी कॉल मिलाई थी। सुनो शेरी, मुझे उस शोरूम में काम करने वाली जो लड़की है, हाँ हाँ वही जिससे बहस हुई थी, उसकी डिटेल चाहिए, कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। रेड चिली, सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी उस चूहे के गले लगने की, आंखें बंद करके लेट गया था वो, मगर अमल का चेहरा उसकी आंखों से नहीं जा रहा था। क्या मुसीबत है, कहते उसने दूसरा तकिया उठाकर मुँह पर रखा था। वो उसे बेड पर फेंक कर खुद उसके ऊपर झुका था। मुझे रहम नहीं खाना इस पर, मुझे इससे बस अपना मकसद पूरा करना है और फिर इसको दफा कर दूंगा यहाँ से, उसके चेहरे को देखते हुए असहान ने कहा था। उसकी नज़र उसके गालों पर पड़ी थी जहाँ गीले और सूखे आंसुओं के अनमिटे निशान थे। गैर इरादी तौर पर उसने झुककर उसके गालों पर बारी बारी बहुत नर्म लम्स छोड़ा था, ऐसे जैसे अगर जारा
ज़रा सी भी शिद्दत दिखाई तो उस कांच की गुड़िया के टूटने का हदशा हो। और अपने इस अमल पर उससे खुद पर गुस्सा आया था। वो एक झटके से उसके ऊपर से उठा था और साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर ज़मीन पर मारा था। कहाँ गया है असहान हयात मलिक तुम्हारा जुनून, वो हलक के बल चिल्लाया था और मुठ्ठियों में अपने बाल जकड़े थे। क्या कर रहे हो तुम, पहले अपने दोस्तों को नाराज़ किया, फिर जिसे बेलिबास करना चाहते थे उसे ही चादर ओढ़ाई, और अब जब उस पर अपना जुनून उतारना चाहते थे उसको इतनी नरमी से छुआ कि जैसे वो टूट ना जाए। क्या कर रहे हो तुम, एक एक लफ्ज वो हलक के बल चिल्लाते हुए कह रहा था। तुम साहिरा हो, उठो और बताओ मुझे कौन सा जादू किया है तुमने मुझ पर, बोलो जवाब दो। वो उसकी तरफ बढ़ा था और उसे उठाते हुए उसके कांधों से पकड़कर उसे झिनझोड़ रहा था। बोलो जवाब दो, दो जवाब, उठो। अब वो उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते कह रहा था, मैं जान से मार दूँ, तुम जादूगरनी हो। वो अपने हाथ पर दबाव मजीद बढ़ाना चाह रहा था मगर अगले ही लम्हे उसने अपना हाथ पीछे खींचा था। सारा उठो, उसको यूं झूलता देख और हरकत ना करता देख अब उससे फिक्र हुई थी। तुम्हारा जिस्म क्यों ठंडा पड़ रहा है, वो उसके चेहरे और माथे और बाजुओं को छूते हुए परेशान होता कह रहा था। हक नवास, हक नवास, उसने उससे ऐसे ही कमरे में बैठे आवाज लगाई थी और फर्श पर पड़ी चादर उठाकर ज़ारा के जिस्म के गिर्द लपेटी थी। जी हाँ, वही असहान हयात मलिक के जिसने ड्राइवर और हक नवाज की मौजूदगी में उसका दुपट्टा उतार कर गाड़ी से बाहर फेंका था आज के ही दिन। और आज ही के दिन वो उसी हक नवाज के सामने ज़ारा को बगैर दुपट्टे के लाते इनसिक्योर फील कर रहा था। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख, होता है क्या। जी छोटे मलिक, हकनवास हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था। डॉक्टर को लेकर आओ, मुराद को भेजो, 10 मिनट के अंदर पूरी आस्तीन वाला शलवार कमीज दुपट्टे समेत यहाँ लेकर पहुंचे। और याद रखना, डॉक्टर के आने से पहले मुराद यहाँ हो, फकीरा को बुलाओ यहाँ, कहते उसने ज़ारा के हाथों को अपने हाथों में लेकर मसलना शुरू किया था। हर गुजरते वक्त के साथ उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था और उसकी हालत देखकर असहान की रगों का खून मुंजमद हो रहा था। अल्लाह सच कहता है, हम तो खजूर की घुटली के ऊपर आने वाले पतले से कतमीर के भी मालिक नहीं है, फिर हम किस गुमराही में भटक रहे हैं। वो सच कहता है, वो पत्थर में भी कीड़े को रिस्क देता है। वो सच कहता है, वो दिलों को फेरने का हुनर रखता है और वो किसी बेबस की पुकार के सबसे ज़्यादा करीब है। जब उम्मीद ख़त्म होने लगती है तो वो रहमत की बारिश बरसाता है। और फिर ज़ारा दुरैद तो सबसे ज़्यादा करीब थी ना रब के, उसने अपनी रूह के दायरों की हिफाजत की थी तो रब ने दिल बदल दिया था, उस शैतान का दिल फेर दिया था। बेशक कल्ब का हाकिम वाहदहुल्ला शरीक है, पहली हुक्मरानी जिस पर किसी और की हुक्मरानी ना हुई ना होगी कभी। दूर खड़ी असहान हयात मलिक की रूह मुस्कुरा रही थी उसे ज़ारा की फिक्र करता देख कर। दिल लगी मुबारक असहान हयात मलिक, मन आजिज़म असहान हयात मलिक। रूह ने आगे बढ़कर उसके कांधे पर हाथ रखा था और उसने चौंक कर अपने कांधे को देखा था। लम्स का एहसास ज़रूर हुआ था मगर वहाँ था कोई नहीं। जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। वो पागलों की तरह उसके कभी हाथों की हथेलियाँ और कभी पाँव के तलवे मसल रहा था। ये वक्त का करम ही तो था कि यूँ वो ऐसे हलकान हो रहा था। थोड़ी देर बाद फकीरा आई थी। जी छोटे मलिक, आपने बुलाया था, सर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। वो जाओ और देखो जाकर मुराद आया है या नहीं, वो ना आंखों से फकीरा पर चिल्लाया था और फकीरा डर के मारे वहाँ से 9:45 हुई थी मिनट से पहले, और अगले ही चंद मिनटों में वो दोबारा कमरे में आई थी। छोटे मलिक साहब, ये मुराद ने दिया और हकनवास कह रहा है कि डॉक्टर साहब आ गए हैं। फकीरा ने बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, ठीक है तुम इसके कपड़े बदलवा दो, मैं 5 मिनट बाद आता हूँ डॉक्टर को लेकर, कहता वो ज़ारा का सर तकिए पर रखता बाहर की तरफ जाने लगा था कि फिर अचानक मुड़ा था। सुनो फकीरा, बहुत एहतियात से चेंज करवाना, नज़रें झुकाकर लाइट ऑफ करके सुन रही हो, वो उंगली उठाकर उसे तनबीह करता गया था। जी छोटे मालिक, हाय कितनी होली है ये, बिल्कुल गुलाब का फूल, मास सदके जाए पता नहीं किस दे जिगरदार टुकड़ा है, इन्नी सोहनी है माँ नजरा लावे ना थके, फकीरा ने भराए लहजे में कहा था। उससे भी ज़रा दुरैद से हमदर्दी हुई थी, पता नहीं क्या वजह थी जो हर इंसान को उससे हमदर्दी हो रही थी। और मुझे यहाँ इस बात पर यकीन हो गया था कि जिनके गिर्द अल्लाह हिफाजत का हिसार खींच देता है उनके लिए इस दुनिया के बेहिस लोगों के दिल खुद बहुत नरम पड़ जाते हैं। ज़ारा दुरैद खुशकिस्मत है, खुदाई करामात उसके हिस्से में लिख दी गई थी, और जिनके साथ खुदा होता है उनको किसी का साथ चाहिए भी नहीं होता। फकीरा ने अपने छोटे मलिक साहब के कहने पर ज़ारा को नज़रें झुकाकर कपड़े बदलवाए थे और फिर बाहर आई थी। छोटे मलिक साहब, फकीरा ने ड्राइंग रूम में आकर इतना ही कहा था,
तुम जाओ किचन में, जरूरत पड़ी तो बुलवा लूंगा, असहान कहते ही डॉक्टर को लेकर जारा के कमरे की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर ने जारा की बंद आंखों को बारी बारी खोल कर देखा था, फिर नब्स टटोली थी और फिर बीपी ऑपरेटर निकाल कर बीपी चेक किया था। तफसीली चेकअप के बाद उसने उसकी वेन्स में 2 इंजेक्शन लगाने थे। इज एवरीथिंग ओके, असहान ने बेताब होते पूछा था। बीपी खतरनाक हद तक लो है, इनका और शदीद किस्म का पैनिक अटैक हुआ है, इनका दिमाग फिलहाल सुन है, डॉक्टर ने कहा था। मतलब, असहान ने चौंक कर देखा था, मतलब ये चाहती नहीं कि इनका दिमाग काम करे, किसी बहुत बड़े स्ट्रेस में हैं ये। खैर मैंने इंजेक्शन लगा दिए हैं, अगर 1 घंटे तक होश नहीं आया तो आपको इन्हें फौरन एमरजेंसी लेकर जाना होगा, वरना आपकी पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। और एक और बात, इन्हें जूसेस या दूध पिलाएं जैसे ही ये होश में आए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सुबह से भूखी हैं, इसलिए इनका बीपी इतना लो है, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में समझा रहा था। सही, हक नवाज डॉक्टर साहब को छोड़ा और आते हुए दवाइयाँ ले आना, असहान ने पास खड़े हक नवाज से कहा था। जी छोटे मलिक, हक नवाज से कहते हुए डॉक्टर की हमराही में बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। असहान ने खिड़की के पास खड़े होकर खिड़की खोली थी और ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस हवा के सपुर्द कर रहा था। वो डेविल और एंजल दोनों के दरमियान खड़ा था, उसकी हालत उसके बस में नहीं थी, अंदर तक रूह जल रही थी, दिमाग कुछ ताने बाने बुन रहा था, दिल कुछ। उसने जेब में से सिगरेट निकाल कर सुलगाई थी और वहीं खड़े खड़े जाने कितने सिगरेट फूंक डाले थे। आधे घंटे से ज़्यादा वो खिड़की के पास खड़े धुएं के घूंट अपने अंदर उंडेलता रहा था। आह सारा दुरैद, वो कदम कदम चलता उसके पास आया था और उसके पहलू में जाकर बैठा था। उसके लंबे बाल उसके तकिए पर पड़े थे, उसकी बंद आंखों पर लंबी घनी पलके मुड़ी हुई अंधेरी रात का मंजर पेश कर रही थी। सभी पेशानी चौधरी के चांद की तरह चमक रही थी। उसने झुक कर उसकी पेशानी पर लब रखे थे और खुद के अंदर सुकून उतरता महसूस किया था। फिर उसने झुक कर उसके होंठों पर अंगूठा फेरा था। सुबह से वो इन होंठों से एक ही जुमला सुन रहा था, जाने तो मुझे बस करो मत जुल्म करो, और अब वही होंठ बंद थे। जब वो उसे सुनना चाह रहा था तो वो खामोश थी, बिल्कुल खामोश। अगर वो ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाती तो असहान के दिल में ख्याल आते ही उसने किसी डर के खौफ से उसे सख्ती से खुद में भिंचा था। नहीं सारा, तुम्हें ठीक होना होगा, वो उसे ऐसे ही सीने से लगाए लेटा था और फिर उसके चेहरे पर नजरें गाड़े उसके चेहरे के हर हर नक्श को असबर करने लगा था। मेरी लंगड़ी शेरनी, मेरा कांच का गुड्डा, उसने उसके कान में सरगोशी की थी और फिर नहायत नरमी से उसके कान की लोब को चूमा था। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर कॉल आई थी, उसने जेब से मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की थी। हाँ बोलो, ठीक है मैं आता हूँ, कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट की थी और जारा की तरफ देखा था। उसकी पलकों में जुनबिश हुई थी और असहान के दिल को सुकून मैसर हुआ था। पिछले 1 घंटे से वो जिस अजियत में था उसको वो शायद खुद से भी छुपा रहा था। जारा उठो, तुम ठीक हो ना सारा, वो उस पर झुके उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। असहान अलीहा मर जाए, टूटे पूटे लफ्ज अदा करती वो उसकी शर्ट को मुट्ठी में मजबूती से पकड़ती उसके सीने से लगी थी। कुछ नहीं होगा अलीहा को, सब ठीक हो जाएगा, असहान ने उसकी कमर के गर्द बाजू हायल करते उसको खुद के करीब करते एक हाथ से उसके आंसू साफ किए थे। उसके इतना करीब होते उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करते जारा की हिस्सियात बेदार हुई थी और खुद को उसके सीने से अलग करती उससे दूर हुई थी और उठकर बैठी थी। वो भी उठकर बैठ गया था। फकीरा फकीरा, उसने बैठते ही आवाज़ दी थी। जी छोटे मलिक, जारा के लिए कुछ खाने के लिए लाओ और दूध लाजमी लाना। जी छोटे मलिक, फकीरा हुक्म सुनती जा चुकी थी। तुम ठीक हो, कहते असहान ने उठकर जारा का दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया था जिसे उसने खुद पर अच्छी तरह लपेटा था। तुमने मेरे कपड़े चेंज किए, उसने बेबसी से उसकी तरफ देखते हुए कहा था। तो तुमने अपनी मर्जी पूरी कर ही ली, वो चकराते सर के साथ उसके सामने खड़ी हुई थी और गिरते गिरते बची थी। तुम रेस्ट करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, उसने उसे पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा था। हो गया ना तुम्हारा शौक पूरा, नोच लिया ना तुमने मुझे, अब प्लीज खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो, वो फिर से उठकर उसके सामने खड़ी हुई थी। तुम्हें लगता है कि जो तुम कर चुकी हो उसके बाद मैं तुम्हें अब कभी भी कहीं जाने दूंगा? एक सेकंड के लिए भी अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, और अब अपनी बहनों के बारे में सोचने की बजाय मेरे बारे में सोचना शुरू करो, क्योंकि ये दिल सिर्फ तुम्हारे मामले में नरम हुआ है। तुम्हारी बहन मरे या जिए, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, वो पल में डेविल बना था और एक एक लफ्ज़ कहता हलक के बल चिल्लाया था। फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे और दरवाजे को बाहर से
लॉक लगाया था। हकनवास, मैं पार्टी की अहम मीटिंग पर जा रहा हूँ, मेरे आने तक अपनी नई बेगम साहिबा का ख्याल रखना और फकीरा से कहना उससे कुछ खिलाकर सुला दे। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, कहते उसने अपने मोबाइल पर कॉल मिलाई थी। सो लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नॉवल्स एंड एपिसोड्स। थैंक यू।